नमस्कार, वेलकम, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर मैं आपके लिए हर हफ्ते एक नई रेसिपी लेके आता हूं, कुछ रीजनल, कुछ स्पेशल। तो मैं जानता हूं कि त्योहारों का मौका तो चल रहा है, अभी दशहरा दिवाली बाकी है, लेकिन नवरात्रे खत्म हो गए, श्राद्ध खत्म हो गए, थोड़ा चिकन चिकन बना लें। तो हमने सोचा आपके लिए बढ़िया सी एक शाही रेसिपी लेके आते हैं, मुर्ग पटियाला शाही, यानी कि चिकन पटियाला शाही। कहानी इसके पीछे बहुत लंबी है क्योंकि पटियाला से ये निकला है। एक्चुअली में वहाँ पे कोई ऑथेंटिक रेसिपी है ही नहीं, ये रेसिपी में अवधी इन्फ्लुएंस है। पंजाब के जो राजा थे वो बड़े फ्लैम्बॉयंट थे। सारी कहानी मैं सुनाऊंगा, पहले शुरुआत करते हैं। चलिए, चिकन पटियाला शाही बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप टमाटर, फ्रेश क्रीम, काजू, दही, यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले हैं जिसमें बड़ी इलायची है, सिनेमन है, पेपर है, थोड़ा सा क्लोव्स है, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर जाएगा, साथ में हरी मिर्च और थोड़ा चॉप धनिया। सबसे पहले भारत गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें काजू को गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे और फिर उसी में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। एक तरफ यहाँ कढ़ाई गर्म हो रही है, उसमें काजू फ्राई करेंगे, दूसरी तरफ चिकन को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे थोड़े से नमक, मिर्च, मसाले। यहाँ पे गया जी नमक, थोड़ा सा देगी मिर्च का पाउडर क्योंकि इससे कलर बढ़िया आना चाहिए और स्पाइसीनेस उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक की पेस्ट करीबन एक बड़ा चम्मच, और साथ ही में जाएगा इसमें दही, ये करीबन तीन बड़े चम्मच दही है, और दही के साथ, मसालों के साथ, नमक मिर्च के साथ ये होगा मैरिनेट कम से कम आधा घंटा। अगर ज़्यादा करेंगे तो फ्लेवर और अच्छा आएगा। चलो जी, इसे बढ़िया से कर रहे हैं हम लोग मैरिनेट। कुछ लोग यहीं पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं, उससे फ्लेवर और बढ़ जाता है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, पर कसूरी मेथी हम बाद में डालेंगे, अच्छे से डालेंगे, दबा के डालेंगे। इसका मेन फ्लेवरिंग जो है वो ज़ीरा, काली मिर्च और नटीनेस आती है इसकी काजुओं से। लेकिन मुर्ग पटियाला शाही की जो रेसिपी है ये कोई भी रॉयल रिकॉर्ड्स में है नहीं, ये इजाद हुई बाद में। एक्चुअली जो राजा साहब थे वहाँ के, वो बहुत ही शौकीन आदमी थे, खाने के तो बहुत ज़्यादा शौकीन। तो जब वो घूमने जाते थे इधर उधर, वो कहते थे कि यार हमारा पंजाब का खाना है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मिर्च मसाले हैं, प्याज टमाटर है, वो शानो शौकत नहीं है हमारे खाने में, थोड़ा शानो शौकत डाली जाए। अब ये शानो शौकत अवध से आई और फिर बन गई पटियाले की शान, ये बन गया जी मुर्ग पटियाला शाही। तो अब चाहें तो आप काजुओं को डीप फ्राई कर लें और चाहें तो ऐसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। चिकन के मैरिनेशन में हल्दी भी डाली जाएगी और उससे रंगत बन जाएगी एकदम बढ़िया। सो नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। जब तक हम बाकी कहानी करेंगे तब तक ये चिकन बढ़िया से हो जाएगा मैरिनेट। काजुओं को बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कर लिया जाए तो जो वो नटी फ्लेवर होता है ना, ये इस चिकन की शान बनती है। अब कुछ लोग इसमें प्लेन काजू पेस्ट डालते हैं, खैर रेसिपी पे किसी का भी अधिकार नहीं है क्योंकि ये रेसिपी बनी होगी शायद 150-200 साल पहले। अब उस टाइम खानसामों ने एक्चुअली में क्या डाला था कहीं पर लिखा नहीं गया। अब लोगों ने बोले काजू पड़ा था जी, काजू। अब काजू कैसे पड़ा था, टेस्ट याद कर करके जनरेशन जनरेशन। अब ये जो काजू हमने फ्राई किए उसे हम निकालेंगे और सीधे पानी में डाल देंगे, वो इसलिए क्योंकि काजू में कैरी ओवर कुकिंग होती रहेगी। कैरी ओवर कुकिंग मतलब कहानी चालू है, यानी कि कुकिंग चालू है, वो काले हो जाएंगे, इसलिए पानी डाल दो, कुकिंग बंद। अब इसे बनाएंगे पेस्ट, बढ़िया सी फाइन पेस्ट। लेकिन यहाँ पे पहले कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डाला हमने तेज पत्ता, साथ में डाली थोड़ी सी दालचीनी, बड़ी इलायची, थोड़ी सी लवंग और काली मिर्च, और साथ में जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा दो तरीके से जाएगा, एक अभी जा रहा है जहाँ पर ये बढ़िया से भुन जाएंगे मसाले, और दूसरा ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर और काली मिर्च का पाउडर हम लास्ट में डालेंगे। वैसे बहुत सारे रेसिपीज़ में बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च को भून के उसका पाउडर बनाया जाता है और उससे पटियाला शाही को फिनिश किया जाता है। पर अगर आपको इतना तामझाम नहीं करना तो ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, बड़ी इलायची का फ्लेवर यहाँ पे वैसे काफ़ी अच्छा आ जाएगा।
उसके बाद डालो इसमें चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किए हुए प्याज को अगर जल्दी पकाना है तो उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। अब इन्हें बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। चलिए प्याज आराम से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होंगे फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। तब तक यहाँ पर हमने काजू की ये बढ़िया पेस्ट भी बना ली है, एकदम फाइन पेस्ट होनी चाहिए और ट्राई करिए कि ये बिल्कुल गाढ़ी ना हो क्योंकि फिर वो वहाँ पे मुश्किल होता है उसे हैंडल करना, तो यहीं पे थोड़ा सा पतला कर लीजिए। इसे अब पूरी तरीके से करेंगे गोल्डन ब्राउन और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी जिंजर गार्लिक की पेस्ट। साथ ही में अब इसमें पड़ेंगे सूखे मसाले जिसमें जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और हल्का सा गरम मसाले का पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, इसका मेन फ्लेवर है, वो पाउडर हम लास्ट में भी डालेंगे। कसूरी मेथी इस स्टेज पे डाल दी जाए और अब समय है कि चॉप किए हुए टमाटर, जितना प्याज उससे डबल टमाटर होने चाहिए। वैसे पंजाबी खाना जो होता है थोड़ा सा करारा होता है, हल्का स्पाइसी होता है, तो मिर्च जो है वो इस टाइम पे थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च और अब टमाटर को बढ़िया से भून लिया जाए। सूखे मसाले, टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट बढ़िया से भुन रहा है। अब इसमें ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया था अब इसे भूनना शुरू करेंगे क्योंकि इसमें भी वक्त लगने वाला है। अब ये चिकन में दही है तो इसलिए इसको साथ साथ बढ़िया से हिला के पकाना बहुत ज़रूरी है और फिर इसे ढक के पकाया जाएगा। चिकन बढ़िया से गल जाना चाहिए, एकदम मुलायम हो जाएगा चिकन। मैरिनेशन जितना ज़्यादा देर होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। ये वाह क्या रंगत लग रही है भाई, अभी तो देखे जाओ बहुत काम बाकी है। चिकन को बढ़िया से ढक के पकाना है, बीच बीच में इसे हम स्टर करते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो ऊपर नीचे आता रहे और साथ में हमें इसका जो पटियाला शाही का फाइनल मसाला है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जाएगा जी एक बड़ा चम्मच जीरा, 2 से 3 बड़ी इलायची और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। अब इन तीनों मसालों को बढ़िया से भून लेंगे और मिक्सी में फाइन पाउडर कर लेंगे। तब तक देखें चिकन का क्या हाल है। ओए होए 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 पटियाले पहुंच रहे जी, पटियाले हाय हाय हाय, कलर देखो जी कलर, अभी तो इसमें तराई बाकी है। पंजाबी में तराई किसे कहते हैं पता है, माल बाकी है, मतलब इसमें अभी क्रीम जानी बाकी है, काजू जाने बाकी है, शाहीपन तो बाकी है अभी और ख़ास तौर से ये मसाला इसका फ्लेवर इसे मज़ेदार बना देगा। अब इसमें डाली जाए ये काजू की पेस्ट, ब्राउन काजू जो है इसमें नटीनेस भी देगा और ग्रेवी को ये थिक भी बना देगा। इसकी ग्रेवी जो होती है वो बहुत पतली नहीं होती है, लटपट से थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसे हल्की आंच पे ढक के पकाते रहें और साथ साथ हिलाना ज़रूरी नहीं तो काजू जल जाएगा। जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, ये फ्लेवर्स बहुत यूनिक हैं और इस डिश की खासियत है क्योंकि फाइनली जब इसे हम डालेंगे तो जो पंच ये देगा ना वो इस डिश को बिल्कुल अलग कर देगा। चलिए अब इसका फाइन पाउडर बना दिया जाए। अब ये मसाला जो है ना अब इसे यहाँ पे डाला जाए, यहाँ आ गया जी थोड़ा सा और कसूरी मेथी, साथ में 1 चम्मच घी, कह रहा था मैं तराई, थोड़ी सी क्रीम। ये देखो जी मुर्ग पटियाला शाही तुहाडा तैयार है। अब बढ़िया से लगाओ तंदूरी परौंठे और पटियाला शाही के मज़े उठा लो। अब इसे बढ़िया से किया जाए सर्व। आहा लाजवाब मुर्ग पटियाला शाही
तैयार है जी, बना लो। और बनाने के साथ साथ भारत पेट्रोलियम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर ऐसी टेस्टी मुंह में पानी ला देने वाली डिशेस बनती रहती है।